बनिए बनिए, राखी बनिए। $200, वाह। इंडियन करेंसी के हिसाब से 15,000। आनंद कहाँ चलती है? पाकिस्तान। पाकिस्तान बैक टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे हो गए। गाइज मैं तैयार हो चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ स्टूडियो, बिकॉज आज मेल मॉडल का शूट है, तो शूट मुझे कंप्लीट करना है। शूट कंप्लीट करने के बाद फिर आज रात को डीके भाई को छोड़ना है, बिकॉज वो पाकिस्तान जा रहे हैं। उनकी फ्लाइट जो है 4:30 बजे के आसपास है, तो हम लोग उनको 2 बजे के आसपास ड्रॉप करने के लिए एयरपोर्ट जाएंगे। सबको जाने वाला एयरपोर्ट, तो मैं आपको पूरा व्यू दिखाने वाला हूँ। और उनका जो फ्लाइट है गाइज वो टर्मिनल 2 से है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो वहाँ हम लोग जाने वाले हैं। फिलहाल अभी चलते हैं स्टूडियो, वहाँ शूट कर लेते हैं और थोड़ा सा आपको स्टूडियो का व्यू भी दिखा दूंगा, थोड़ा शूट भी दिखा दूंगा। फिर शाम को वापस आएंगे तो फिर आपको सबसे मिलाऊंगा और फिर उसके बाद एयरपोर्ट जाएंगे, तो सारा आपको ब्लॉग में दिखने को मिलेगा। सो जो भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बिल को ऑल कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियोज टाइम टाइम मिलते रहे, आप एक वीडियो मिस ना करें। तो गाइस चलिए कैब भी हमारी आ चुकी है, तो चलिए चलते हैं नीचे, फिर वहाँ जाएंगे स्टूडियो। A few moments later. Hi, hello everyone. So, मेरा नाम है लव बोरा और मैं आज शूट कर रहा हूँ राज के साथ, जो कि आया है 2.5 घंटे लेट। मेरा क्या काम है तुम लोग? देखो कह रहा है क्योंकि ट्रैफिक है मुंबई में बहुत सारा। हम भी आए हैं, वैसे ही आए हैं हम भी। अच्छा एक बात बताइए, मेकअप इनको करना है, तैयार इनको होना है, तो मैं करूँ पहले आके? पर हम मेरा जब शूट स्टार्ट होगा तब मुझे आना है जी, तो मैं शूट के टाइम पे। शूट तब तक स्टार्ट होगा नहीं जब तक ये आएंगे नहीं। और ये गौरव जी हैं, आप भी स्टार्ट करें ब्लॉग, तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें। सबसे हसमुख चेहरा है। हर आशा चेहरा नहीं होता कि वो कोई शान जाने दिखते थे। देखिए गाइज हमारे सारे गारमेंट्स जो हैं वो हैंगर पे टंगे हुए हैं, तो आज मेल मॉडल का शूट है, तो शेरवानी कुर्ते ब्लेज़र ये सब का शूट हो रहा है, और भी गारमेंट्स है वो भी प्रेस हो रहे हैं, तो उनको भी लगा के टांगना है, वो शूट करना है। गाइज हम लोग का फाइनली शूट खत्म हो चुका है और अभी हम घर के लिए निकल रहे हैं, और आनंद भी आए हैं मेरे साथ, डीके जी को छोड़ने जाना है, लेकिन आनंद यहाँ बैठे हुए हैं, तो हम लोग अभी जा रहे हैं डीके जी के पास और उनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट जाना है। और शूट काफ़ी अच्छा रहा है, वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया, सुबह से स्टार्ट था और काफ़ी लेट हो गया ख़त्म होते होते, तो अभी डीके जी के पास चलते हैं और देखते हैं डीके जी कर क्या रहे हैं। फ़ोन उनका बार बार आ रहा था, जल्दी से आओ, हम लोग बस आ ही रहे हैं, तो अब निकल चुके हैं, हम उनको पिकअप करते हैं और पिकअप करने के बाद फिर चलेंगे हम लोग एयरपोर्ट। आई है क्या पाकिस्तान में जा रहे हो क्या साथ में? उधर इंडियन हो गए थे, पाकिस्तान में हो गए। वो तो वही लग रहा है तैयारी। तो गाइस देखिए रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जा रहा है, डीके जी जा रहे हैं अपने मुल्क पाकिस्तान, आज आपकी राखी बन रही है, एडवांस राखी बनिए बनिए, राखी बनिए, बनिए, ये हाथ में कलाई में राखी बन गया, मिठाई खाइए मिठाई खाइए, बहना को मिठाई खिलाइए, आप खाओ जी मिठाई। अब पर्स निकल रहा है, पर्स से देखा जाए कितने पैसे निकल रहे हैं, कितने डॉलर निकलते हैं पर्स से, ये देखना है। $200, वाह, इंडियन करेंसी के हिसाब से 15,000, वाह वाह, 16,000। प्रस्तानी कैसा लग रहा है? बहुत दुख हो रहा है, पता नहीं दुख हो रहा है, कोई बात नहीं भैया, फिर आते जाते रहेंगे, रास्ता खुल गया भैया में आने के लिए, जा रहे हैं भाइयों, दुआ करना सफर आसान, सही सलामत आप पहुंच जाएंगे, तुम लोग मत भूल जाइएगा, आप लोग सब याद रहेंगे, सारे वीडियोस है याद करने के लिए,
सब देखते रहेंगे, हमें याद करते रहेंगे। सनी देओल के साथ में आ जाएगा, सनी देओल के साथ आ जाएगा। कदर 44 डेज के बाद जा रहे हैं। कितने दिन के बाद? 44 डेज के बाद जा रहे हैं। भैया का विदाई चालू हो गया है और दही खिलाया जा रहा है शुभ यात्रा के लिए। शुभ शुभ मंगलमय अपने घर पहुंच जाए इसी मनोकामना से। मम्मी के पैर छू लिए, अब आशीर्वाद ले लीजिए। आशीर्वाद ले लिए। अरे मत रोइए, लास्ट में आनंद कहाँ चल दिए? पाकिस्तान। अरे एकदम यार तू गजब लग रहे हो। गदर की शूट चालू है ना? हाँ किसी गदर गदर की शूट चालू है। गदर थ्री बनेगी। तुम जा रहे हो क्या बनाने के लिए? इसको भी रख दो उसी के ऊपर। या तो आप आइए तो हम आएंगे, हैं मुलाकात जरूर होगी। ठीक है, और कॉल करेंगे, बातचीत होगी। तो गाइस डीके जी का अलविदा कहने का टाइम हो गया है और ये अब अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। अब डीके जी जा रहे हैं मेन गेट की तरफ और वहां से अपना आईडी प्रूफ दिखा के फिर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल हो जाएंगे। तो गाइस देखिए मैं आपको इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 का व्यू दिखा रहा हूँ। कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है गाइस देखिए, और रात के समय काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है बिकॉज ये लाइट्स है। देखिए पूरा वाइट हो रखा है एयरपोर्ट, कितना खूबसूरत व्यू है। तो मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखा रहा हूँ घुमा के, देखिए कितना खूबसूरत एयरपोर्ट है गाइस। ये देखिए गाइस इंडियन फ्लैग लहरा रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में। तो गाइस हम लोग डीके भैया को एयरपोर्ट में ड्रॉप कर दिए और वो अपना बोर्डिंग पास लेके चले गए। अब हम लोग जा रहे हैं पिकअप पॉइंट, क्योंकि ओला हमारी आ चुकी है। शायद 5 मिनट दिखा रहा था यार, पता नहीं शायद आई है कि नहीं आई है, बट पिकअप पॉइंट पे जा रहे हैं। देखिए ये पिकअप पॉइंट है, P4 है, तो P4 में हम लोग भी जा रहे हैं। फिर वहाँ से घर जाएंगे। बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार, बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, क्योंकि 3:15 हो चुके हैं, तो काफ़ी ज़्यादा थकावट आ रही है। अभी देखिए ओला स्टैंड में आ चुके हैं, अभी देखते हैं क्या हमारी कार खड़ी है, चलिए देखते हैं। तो गाइज ये टर्मिनल 2 एयरपोर्ट का पिकअप पॉइंट है, यहाँ पर ओला और उबर के कैब्स अवेलेबल होते हैं, आपको बुक करना होता है और पिकअप यहाँ से होता है।
तो गाइस फाइनली बैक होम और अभी जा रहा हूँ मैं सोने के लिए, कपड़ा चेंज करूंगा बस सो जाऊंगा क्योंकि नींद बहुत जोर के आ रही है और अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ऑलमोस्ट घड़ी में यार 4:20 हो रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं सुबह के टाइम पे 4:20 में कितना जोर की नींद आ रही होगी। तो चलिए ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं, आप बताइए कमेंट में ब्लॉग आपको कैसा लगा। अगर ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए इसी नोट के साथ आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, गुड नाइट।